अभी 7-10 दिन पहले मेरा जालौर में कार्यक्रम था, वहां श्रीराम जी ढाका की धर्मपत्नी ने 6 तोड़ा रो तिमणियो दियो गौशाला में, 6 तोड़ा सोना रो तिमणियो, ताली बजाओ उस मां के लिए, 6 तोड़ा सोनो, 6 तोड़ा रो टेउटो दे दियो, टेउटो इतो लंबो पीड़ो पट झाड़बड़ बेजड़ो, हाँ 6 तोड़ा होनो दियो भाई जी, कहीं हसो अब हम दीजिए कोनी खुड़चनो, हाँ रोटी उतेल माने खुड़चनो कौन देश का जे देवा तो छोरा ने लारे भेजे जा अंटी जी घरू खुड़चनो फाचो लिया, अरे फाचो लिया कहीं टूबेल खोदे ली। श्रीमान प्रकाश जी बाकर जूसरी सरपंच साहब की ओर से इस गौशाला परिसर में जो जमीन नहीं लेंगे उस नई जमीन में, न्यू जमीन, नई जमीन जिस जमीन के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है उस नई जमीन में प्रकाश जी बाकर सरपंच साहब की ओर से ट्यूबवेल खुदवाई जाएगी। जोरदार तालियां जूसरी सरपंच साहब के लिए, जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए। समिति के कार्यकर्ता आओ, प्रकाश जी को सापो माला दुपट्टो पहरा स्वागत कराओ, तालियां बजाओ, धन्यवाद। क्योंकि महात्मा लोगों ने कहा है कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी और नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। आज प्रकाश जी बाकर साहब की भावना, इनका गौ माता के प्रति प्रेम कितना बढ़िया है। सरपंच भले आप दूसरी के हैं लेकिन हिंदुस्तान में आपने जन्म लिया तो गौ माता अपनी मां है, ऐसा दृढ़ निश्चय समझकर। अरे भाई जी, ओ माता जी, घर वटे ही मिली जटे बनाएड़ो है, यहां जागण छोड़ छोड़ जाओ ने, मैं कुनार वास्ते बोला ए थाना रिपिया बेड़ा कर, मारे टाबरा ने अमेरिका कौन पटाना, थे जानो थारो गौशालो जाने, मैं तो 4 भजन गार ओम जय जगदीश हरे लिया मकाना जातो रहो घरे, थे ताके करे मैं मांगे करे मकरण हम कहीं करे, हाँ घर वटे ही मिली जटे बनाएड़ो है, कहीं फर्क पड़ जाए, आधो घंटा और रुक जाओ, 2 भजन निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठंड है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा आप रुको तो अपने आप पैसों आवेला, फिर थे निकल जाओ जन, पछि मैं पैसों का दरी कनु मांगू के, पछि टेबलार कुर्सियां पड़ी रही, जाय अंधारा में गोजगाम जा दे बछीड, क्या कर लेऊं एकलो, भजन मैं भी गा सकूं, ताड़ियां बजवा सकूं, पूरी पूरी रात गा सकूं, लेकिन बोलिया बिना पैसों कोई कौन दे, मांगना पड़े, झुकना पड़े, पग पकड़ना पड़े, जने लोग 51,000 का 1 लाख करे, 1 लाख का 2 लाख करे साहब, बाकी एकर बस में टिकट ले लियो ना डीडवाड़ा को, दूसरी बार मौला सर को टिकट कौन कटावे, कौन करे डबल राशि, कौन डबल करे, जिरी भावना पवित्र है, मैं हरे करूं डबल थोड़ी कराऊं, मैंने लीलाड़ मत लिखियो ये दातार है, मैं पढ़ने की क्षमता रखता हूं, दातार वो देश के हर पग जेल में हल्दी तिरान डबल। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, रोपसी गांव है जालौर जिले में, सांचौर तहसील में रोपसी गांव, एक भाई ने 5 लाख रुपया दिया, देवर जी राजपुरोहित 5 दिया, बोले घना, मैं बोले और दे, 10 दे दिया, अरे भाई और दे, 20 दे दिया, मैं बोले और दे, 25 लाख दे दिया, मैं बोले गौरव भाई थोड़ा और दे दे, 30 लाख दे दिया, मैं बोले गौरव भाई थोड़ा और दे दे, 33 लाख रुपया दे दिया, मारे कहो 33 लाख रोकड़, 33 साल को मोटे बेंगलोर में हार्डवेयर की दुकान है, 33 लाख रुपया किन्ने कहे साहब, रोकड़ 33 लाख कैश पेमेंट, 11 आपरे नावरा, 11 आपरी मारे नावरा और 11 लाख आपरे पिताजी नावरा, टोटल 33 लाख रुपया गौ माता ने दिया। रोजीना लाइव देखे गौर भाई प्रणाम आपको, नरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित धानोल गांव भीनमाल तहसील, मेरे कहने से 5 लाख देने वाला बंदा, मेरे कहने से उन्हें राशि दी 51 लाख रुपए, नरेंद्र सिंह राजपुरोहित अभी बॉम्बे में है, वो 7 तारीख को मिलेंगे, धन्यवाद। मेरा तो एक ही माताओं से निवेदन है, वो याद करो 1947 का दिन जब पाकिस्तान अलग हुआ था, हमारी बहन बेटियों के आंचल काट लिए गए थे, जबरन उनके साथ में निगाह हुआ था, उनके साथ में बलात्कार हुआ था, मां कसम मैं उस समय जिंदा नहीं था, अगर मैं 18 साल का होता तो कम से कम उस समय 10-20 राक्षसों की इस तलवार से गर्दन उड़ा देता, इतना मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे गाय के प्रति, इन माताओं के प्रति, इन युवाओं के प्रति जो मैंने अपने विचार दिए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ज्यादा से ज्यादा दानदाताओं का सम्मान करें, दानदाताओं से उनके चरणों में निवेदन करता हूं, हे दानदाताओं, इस गोविंद की गैया गोसेवा समिति के अंदर अगर आप 500 देने की ताकत रखते हैं तो 1100 दें, और 1100 देने की मन में ठान के आए तो 2100 दें, और 2100 है तो 5100 दें,
11,000 या 21 देने की भावना रखें। मैं दान दाता हूं कि जब तक पर्चियां चलती रहेगी ओम जी के साथ में, तब तक मैं बैठा रहूंगा। जब ओम जी भजन लेंगे तभी मैं निकलूंगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैं गाय के लिए तैयार रहूंगा, मैं अपने हाथों से उनको सम्मान करूंगा। मैं ओम जी मुंडेल से निवेदन करूंगा, हे गौरत्न, आज भारत को आप जैसे गौरत्न की जरूरत है। उठाइए माइक और पर्ची लीजिए और सुबह की 4 बज जाएगी, मैं यही बैठा रहूंगा जब तक पर्चियां चलती रहेगी, लेकिन जब भजन चालू होगा तभी मैं हाथ जोड़ करके यहां से निकलूंगा। दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की। माताओं मंच पर बैठे दान दाताओं, यूं भारत मां के प्रति प्यार है, दिखा दीजिए दोनों हाथ उठा करके। और भारत माता के प्रति प्यार नहीं है तो हाथ नीचे रखना। दोनों हाथ खड़े करके, भारत माता की, वंदे इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मात्र शक्ति को, दान दाताओं को, मंचासन अतिथियों को बहुत बहुत साधुवाद, और आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे बुला करके सम्मान किया। मैं हर समय आपके लिए तन से मन से तैयार रहूंगा। सबको जय श्री कृष्णा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अरे ये तालियां जोरदार नहीं है, हमने गौ माता का दूध पिया है। ये भारत वीरों की धरती है, राजस्थान सूरवीरों की मरुमाटी है, दानदाताओं की धरती है, अर्पण की धरती है, तर्पण की धरती है, वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। जिस माटी पर हम बैठे हैं, यहां तेजा जी और महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है, ये वो धरती है साहब जिसके लिए एक नहीं हजारों शीश हम देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय परम सम्मानीय संत गुरुदेव कुशाल गिरी जी महाराज। आइएगा राधा रास बिहारी जी जयपुर।